मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज वो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भले ही बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बड़े बड़े दावों के साथ व्यस्त है, लेकिन किसानों के लिए आए 3 कानूनों के खिलाफ अब उसके ही जहाज से सवारियां उतरती दिख रही हैं। यानी भाजपा के ही पूर्व विधायक स्तर के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी का घेराव किया बल्कि पार्टी छोड़ते हुए किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा तक देना शुरू कर दिया। रादौर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे श्याम सिंह राणा के बाद अब पूर्व विधायक और बीजेपी नेता परमिंद्र सिंह ढुल ने भी भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। परमिंद्र सिंह ढुल ने सत्ताधारी भाजपा को अलविदा कहते हुए मीडिया के सामने कहा, केंद्र के 3 कृषि कानून काले कानून है। भाजपा पार्टी किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज किसान पुत्र रो रहा है और मैं बीजेपी में घुटन महसूस कर रहा था, इसीलिए पार्टी छोड़ रहा हूं। अपने आप को किसान का बेटा होने के नाते मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं घुटन महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो किसान के हितैषी होने का दावा करती थी, आज वो किसान के पक्ष में नहीं है, किसान को बर्बाद करने चले हैं। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में असहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं। और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए, जो आज 3 कानून के द्वारा उजड़ने निश्चित है, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम हरियाणा के ऐसे किसानों के बेटे जो राजनीतिक जीवन में आज किसी भी पार्टी में हो, उनको आह्वान करता हूं कि आज किसान और देश कमेरे को बचाने के लिए अपने अपने हित त्याग करके एक सांझे मंच के अंदर आकर आज किसान विरोधी सरकार को चेताने का, उखाड़ फेंकने का और तीनों कानूनों को वापिस करने का काम करने के लिए। साथ ही परमिंद्र ढुल ने सभी पार्टियों में शामिल किसान पुत्रों को किसान के हित में आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पार्टियों को छोड़कर आज किसान के साथ खड़े होने का वक्त है, अब वो आगामी लड़ाई किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं किसी अन्य पार्टी में जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज मैं किसान के साथ खड़ा हूं, अभी कहीं जाने का फैसला नहीं लिया। परमिंद्र ढुल ने कहा, बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर जुमलों पर बात की है। बीजेपी को 4th कानून लाना चाहिए था, जिसमें MSP का कानून शामिल होना चाहिए था। जिनसे अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।